अच्छे अच्छे खाने की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो है मैं अपनी दूसरी रेसिपी बना रही हूँ, वो भी बिल्कुल डिफरेंट सी है, डिफरेंट भी और सिंपल भी है, बहुत ही आसान है। पोटैटो पिज़्ज़ा जो है वो हम बनाने वाले हैं और पैन में बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई बेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल घर में मौजूद चीज़ों से बनेगा। सबसे पहले मैंने ले लिए आलू, ये मैंने ना 3 आलू लिए थे, इनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से जो है ना वो मैश कर लिया, हाथों से मैंने इनको कर लिया था, मैशर नहीं था मेरे पास। उसके साथ ये मैंने एक प्याली जो है वो ले ली है मैदे की, ये मैंने सही भर ली है, भरी हुई प्याली एक मैदे की ले ली है। ये मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया, मेल्टेड बटर है ये। और जो इसमें मसाले डालने वाले हैं जनाब, वो हैं ये मैंने धड़ा मिर्च ले ली है, मैंने घर में कूट ली थी, घर में मिर्चें थी तो मैंने उनको कूट के तो घर में ये बना ली। ये काली मिर्च ले ली मैंने, थोड़ी सी नमक ले ली है मैंने, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, पसंद के मुताबिक जो हैं वो मिर्च मसाले तेज़ और कम रख सकते हैं। और ये बिल्कुल थोड़ा सा जनाब था पुदीना, खुश पुदीना ये मैंने ले लिया जस्ट टेस्ट के लिए, ज़रूरत आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद तो ना डालें, ये मैंने अपनी पसंद के हिसाब से डाला है। ये शिमला मिर्च है, बिल्कुल एक शिमला मिर्च थी, इसको मैंने ले लिया और बिल्कुल मैंने इसको छोटा छोटा बिल्कुल चॉप कर लिया, एक ही शिमला मिर्च ली थी मैंने छोटी वाली। और जैसे लाल गाजरें तो आजकल है नहीं है, तो ये पीली ऑरेंज कलर की जो गाजर है ये मुझे मिली, इसको भी मैंने बारीक जो है एक ही मैंने ली थी और वो भी आधी डली और मैंने इसको भी बारीक चॉप कर लिया। ये एक आधी जो है मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, इसको भी मैंने चॉप कर लिया, मैंने हाथ लगा लिया और अभी मुझे जलन होने वाली है। इसके साथ इसमें डलेगी ये जो क्रश चीज़ है, ये मैंने चीज़ जो है इसको भी कद्दूकश कर लिया था और ये डालेंगे हम इसके अंदर सब चीज़ों को। ये बेकिंग पाउडर है और ये जो है मैं 1 टीस्पून जो है ना इसमें डालने वाली हूँ, 1 टीस्पून नहीं 1 टेबलस्पून डालने वाली हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो है वो राइज हो के तो अच्छा सॉफ्ट जो है वो हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा बन जाए। आपको पसंद आएगा, बच्चों को पसंद आएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। एक और जो चीज़ इसमें डलती है वो है सब्ज़ धनिया, ठीक है, वो मैंने भाई को लेने भेजा हुआ है और जब मेरा भाई जाता है उसका हो जाता है भाई ख़राब, अगर आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो फिर हम इसी पे गुजारा करेंगे, लेकिन उससे इसकी लुक बड़ी अच्छी आ जाती है और टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। होप्स वो पहुंचने वाला होगा, आ जाएगा तो फिर हम इसमें बारीक कुतरा हुआ जो कटा हुआ धनिया वो भी ऐड कर देंगे। अभी इसके अंदर ये है मेरे पास आलू जो मैंने मैश किए हुए थे, इसके अंदर मैं जो है ये सारी गाजरें जो हैं वो शिमला मिर्चें जो है ना वो ऐड कर लूँगी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इनको पकाएंगे नहीं, हम कच्ची ही इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और ये वो चीज़ें जो घर में हमारे पास मौजूद होती हैं इनको हम डालेंगे। उसके साथ मैं इसके अंदर ये गाजर डाल दूंगी और बल्कि ये मैं सब सब्ज़ मिर्च भी इसके साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि हमें सारी चीज़ें साथ ही इसमें ऐड करनी है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर एंड पे हम जो है बल्कि साथ ही मसाले भी डाल सकते हैं, चीज़ हम सबसे एंड पे डालेंगे। और ये मेरे पास है जो मैदा था, मैदा मैंने एक प्याली ले लिया था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह से मैं आलूओं के अंदर ही जो है अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और उसके बाद हम जो है ये मेल्टेड जो बटर है वो डाल देंगे। ये जो हमारे पास मसाले पड़े हुए हैं, मेरा दिल है ये भी साथ ही डाल दें ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये भी मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम जनाब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया, मैंने आलू के अंदर ही मैदा और बाकी जो मैंने सब्जियाँ बताई आपको सारी मैंने डालनी थी। वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं जो है बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मतलब चीज़ें हैं वो लिख के लगाऊंगी ताकि इजीली आप भूल ना जाएं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। ये मैंने इसको गूंद दिया, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया, नथिंग एल्स, कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया। अब जो है मैं ये जो मेल्टेड बटर था ना ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, मतलब 2 चम्मच मैंने लिए थे ये, और इसकी मतलब वो इतनी खास ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादा की। तो अब मैं ये जो चीज़ थी मेरे पास क्रश्ड वो मैं सारी इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से गूंद के इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए जो है रख छोड़ूंगी। हाँ जी, देखिए मैंने इसको इतना अच्छी तरह से गूंद लिया, जितने हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे जो भी चीज़ें थी सबको डाल के मैंने इसको गूंद लिया, ठीक है। अब मैं इसको रख देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए और उसके बाद जनाब हम इसके बनाने वाले हैं पोटैटो पिज़्ज़ा, फिर वो देखें और इन्जॉय करें। अच्छा जनाब, हाँ जी, ये हमारे जो डो थी जो हमने तैयार की थी पोटैटो पिज़्ज़ा के लिए, इसे तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं पड़े हुए। अब हम जो है इसका एक जो है रस्ट कर लेंगे मैदा यहाँ पे और एक मैं पेड़ा लूँगी, देन मैं आपको बताती हूँ इसको आगे फर्दर हमने क्या करना है। अच्छा, मैंने ये पेड़ा ले लिया और मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो डस्ट कर लिया था ताकि ये साथ ना चिपटे। और जो मेन चीज़ है इसको हम हाथ से ही जो है वो प्रेस करते हैं और इसको हम स्क्वायर शेप दे लेंगे, राउंड शेप में नहीं करेंगे।
थोड़ा सा प्रेस, इसको हमने बहुत पतला नहीं करना, इसको हमने मोटा ही रखना है। और मेरे पास ये नाइफ है, छुरी है, इसके साथ ही मैं इसको जो है वो स्क्वायर शेप देने वाली हूँ। देखिए इसको उठा के मैं पैन जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया बिल्कुल हल्की सी आंच पे। उसके अंदर जो है मैं हल्का सा जो है वो बटर जो है वो कर लूँगी, उसको ग्रीस कर लूँगी। पैन जो है वो मैंने बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी आंच पे मैंने ग्रीस होने के लिए रख दिया था, हीट होने के लिए रख दिया था। मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ बिल्कुल हल्का सा, मैंने बटर से ही कर लिया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसको बिल्कुल कम ऑयल में जो है फ्राई करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको पैन में रख दिया, मैंने इसको जो है एक चम्मच से उठाया था और इसको मैंने रख दिया। अब हम वेट करेंगे, ये नीचे से बिल्कुल लाइट ब्राउन होना चाहिए और इसको मैं ढांप दूंगी। और आप देखेंगे हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है जिसकी वजह से ये बड़ा फ्लफी सा, बड़ा सॉफ्ट सा बनेगा। चीज़ है इसके अंदर, बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे, लेकिन ये सॉफ्ट किससे होगा, फ्लफी किससे होगा, जो हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया था। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए यूँ ही पकने के लिए रख देते हैं हल्की सी आँच पर, और ये अच्छी तरह से पक जाएगा। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा नीचे से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी जनाब, अब देखिए ये कितना ही फ्लफी, मुझे मैं हाथ से टच करके बताती हूँ, इतना फ्लफी और सॉफ्ट है। मैंने इसको ऊपर भी ना ऑयल से ग्रीस कर दिया था अच्छी तरह से, मुझे लगता है ये ब्राउन हो गया नीचे से। अब हम इसको जो है पलट देंगे और ये देखें जनाब, वेरी नाइस, कितना ही अच्छा लग रहा है ये, और इतना सॉफ्ट है। आप बाहर से देखेंगे क्रिस्प, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। अब हम इंतज़ार करते हैं और ये बस रेडी होने वाला है। दूसरी साइड से हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह ही, और फिर हम इसको सर्व करेंगे मज़े से। जी जनाब, तो हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। आप देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी, मैंने 2 बना लिए थे, और ये हमने साथ इसके केचप के साथ सर्व करेंगे। दुनिया लेती है साथ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मैं लूँगी साथ एक गर्मा गर्म कड़क चाय। तो क्यों ना मैं आपको टेस्ट करके बता दूँ। ये देखें जनाब, इतना सॉफ्ट है और फ्लफी है, और मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ। इस कदर मज़ेदार, सॉफ्ट, यमी और अंदर तक पका हुआ, बिल्कुल लाइट आंच पे बनाया था हमने, और ये बहुत ही मज़ेदार है। केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, आबाद रखें, दुआओं में याद रखें।